वेलकम टू स्टॉक मार्केट विर डेली मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है हम लोग देख सकते हैं निफ्टी एज क्लोज अबाउ सेवेंटी थाउजेंड टू हंड्रेड ऐसा लगेगा कि ओके वन मोर डे अबाउ सेवेंटीन थाउजेंड टू हंड्रेड्स अ गुड साइन बट एक्चुअली अगर हम देखते हैं निफ्टी ओज नॉट दैट गुड टू दिस इज प्राइमेरली बिकॉज ऑफ वन स्टॉक एंड वन स्टॉक अलोन एंड दैट इज रिलायंस रिलायंस हम लोग देख सकते हैं टू थ्री सिक्स फोर पे क्लोज किया है एंड इंट्राडे इट वॉज एक्चुअली डाउन अराउंड टू परसेंट और सो उसके बाद थोड़ी सी उसने रिकवरी दी है एंडिंग अपट माइनस वन पॉइंट सिक्स अगर हम लोग सेक्टर्स की बात करें वीकेंसी निफ्टी बैंक इज ह्योर विच इज रेटिव डाउन था निफ्टी एंड पॉइंट जीरो फाइव परसेंट पॉजिटिव है बैंक निफ्टी सो अराउंड ट्वेंटी पॉइंट है पॉजिटिव ओवरऑल सो दैट्स वॉट वी आर सींग अगर मैं ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस की बात करूँ वीकेंसी प्रिटी माच ईवन है क्योंकि ईवन दो कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है मोस्ट ऑफ दैम आर एक्चुअली अंडर द हाफ परसेंट मार्क्स सो हाफ परसेंट से ज़्यादा गिरे नहीं है कोई हाफ परसेंट से ऊपर गए नहीं है विच इज आई थिंक फेयर एक्सेप्ट फॉर निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी विच इज यू नो जस्ट वन अमंग द रेस्ट ऑफ दैम इंडिया विक्स ऊपर गया है बाई टू परसेंट विच इज़ यू नो समथिंग टू कीप इन माइंड एस्पेशली चेक्स आउट क्योंकि अगर आज की हम लोग वॉलटिलिटी देखें देन इट वॉज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट आई मीन यू कैन सी पहला ही जो कैंडल था दैट वॉज अराउंड सिक्सटी पॉइंट का कैंडल आफ्टर दैट ऊपर गया नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे फोर्ट अ लॉट अराउंड द प्रीवियस क्लोज एंड इट ऑब्वियसली एंडेड अपर फ्लैट अगर हम लोग बात करें यू नो इन टर्म्स ऑफ ट्रेड्स की सो नेचुरली आज यू नो थर्सडे एक्सपायरी थी तो आज कौन सा ट्रेड चला होता आई थिंक इफ यूड है सेवनटीन टू हंड्रेड ट्रेडल ऑन ट्वेंटी डिसम्बर मतलब दो दिन पहले देन आई थिंक इट कुड बिन अ ग्रेट ट्रेड बिकॉज आप देख सकते हो सेवनटीन टू हंड्रेड

ये एक प्रीवियस क्लोज को कैंडल तोड़ा बट आई डोंट थिंक दिस वुड हैव बीन इनफ रीजन टू गो लॉन्ग गिवन दैट हम लोग जो यहाँ पे ओवरऑल देख रहे थे थोड़ा सा हम लोग यू नो नेगेटिविटी थोड़ी सी देख रहे थे सो आई थिंक हियर माइट नॉट हैव बीन अ वेरी रीअश्योरिंग प्लेस टू एक्चुअली गो लॉन्ग उसके बाद ऊपर क्या सिग्निफिकेंटली पॉसिबली दी ओनली प्लेस वेर आई कैन सी दैट ओके यू नो अच्छी एंट्री हो सकती थी माइट हैव बीन समवेयर अराउंड हियर कि वो ऊपर गया एंड देन इट टुक रेजिस्टेंस फ्रॉम द पैरल चैनल दैट वी स्पोकन अबाउट ये वाला जो था वो दिस वन right uh, और उसके बाद वहाँ से नीचे आयान नीचे आके वी कें प्रीवियस क्लोज के, के आसपास उसने सपोर्ट लिया है देन इट वेंट अप अगेन सेम पैरल चैनल का रेजिस्टेंस मिला है एंड देन अगेन इट वेंट अप केम डाउन सो आई थिंक इन दैट रिस्पेक्ट काफी वॉलोटाइल डे था चौपी डे था uh, पॉसिब्ली द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन ऐसे जो मार्केट थे उसमें यहाँ पर मैंने आपको जैसे बोला सेवनटीन टू हंड्रेड माइट ऑफ बिन अ गुड स्ट्रैडल अपॉर्चुनिटी अगर उसके बारे में ज्यादा जानना है देन आई थिंक यू आर विल हैवे वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेड ऑन द सेवनटीन टू हंड्रेड स्ट्रेडल इन दिस कमिंग वीक सो यू कैन सी चार दिन पहले ओटीएम स्ट्रैंगल यू आर ने एक्सप्लेन किया था उसका अपडेट जब आएगा ये हफ्ते दिस वीकेंड आई थिंक ही विल हैव द एग्जैक्ट स्पेसिफिक नंबर्स फॉर दैट सो डू स्टेट यून फॉर दैट उसके लिए सब्सक्राइब रहना अगर ओवरऑल डायरेक्शन की बात करें देन वी कैन सी द पैरिल चैनल इज स्टिल होल्डिंग अनलेस ये पैरालेल चैनल को तोड़ता है एंड देन इट्स एबल टू होल्ड अबाउ सेन सिक्स हंड्रेड आई थिंक इट्स माई इट माई जस्ट बी अल ट्रिकी फॉर निफ्टी टू टेस्ट हाईर लेवल एंड द रीजन फॉर दैट इज प्रटी मच क्योंकि हम लोग ने देखा है दैट दीज लेवल्स आर यू नो लाइक लक्ष्मण रेखाज ऑफ सॉर्ट्स क्योंकि एक बार ये टूटता है दैट मीन्स द डाउन ट्रेंड दैट वी आर हैज़ नॉट कम्प्लीटली गॉन अवे बट राधर इट इज वीकनिंग एंड वेन दिस ट्रेंड वीकन एंड इट होल्ड्स अबाउ अ प्रीवियस हाई इट शोज की एक रिवर्सल हो सकता है सो आई थिंक आई वुड लुक आउट फॉर दैट फर्स्ट हर्डल ऑफ हर्डलोर्स इज गोइंग टू बी सेवनटीन थ्री हंड्रेड नाउ नेचुरली टमोरो इज द लास्ट डे ऑफ नॉट जस्ट द मंथ बट ऑल्सो द ईयर जस्ट लाइक टू डे वॉज द लास्ट डे फॉर द डिसंबर एक्सपायरी सीरीज और उसमें अगर हम लोग देखते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस then I think it will be very uh, you know important to see if Nifty is able to hold above सेवेंटी थाउजेंड फिलहाल तो होल्ड किया अराउंड टू हंड्रेड पॉइंट्स डाउन इफ इट वॉन्ट्स टू विच इज यू नो नॉट impossible for it to do. हम लोग ने देखे ऐसे दिन आए हैं और अगर हम लोग मंथली चार्ट की बात करें दैन दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट मंथ rather the second month, जो एक रेड कैंडल के बाद एक और रेड कैंडल या इनडिसाइसिव कैंडल देखने मिल रही है इसके पहले वी सी वी टिपिकली सी इन अ मोर डायरेक्शनल अप्रोच एक्सेप्ट फॉर दिस कैंडल राइट ही और जहाँ पर हम लोग ने डोजी के बाद एक और स्पिनिंग टॉप देखा था जनरली दैट इज़ नॉट बिन द केस सो देखते हैं हाउ इट एक्चुअली प्रोग्रेस इज आई थिंक इट गिव अस अ बेटर आइडिया टूमोरो और ऑफकोर्स टुमॉर जब मंथ क्लोज होता है आई विल ऑल्सो शेयर माई मंथली एनालिसिस एज वेल एज वीकली एनालिसिस सो वंस अगेन वन मोर रीजन टू स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल नेक्स्ट कमिंग टू बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी अगर बात करते हैं देन वी कैन सी इट स्टिल साइडवेज जो हम लोग ने पहले जैसा बात किया था वैसा ही है इफ़ आई शो यू द दाइव मिनट चार्ट देन वी कैन सी फाइव मिनट पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आर वेरी डिफरेंट निफ्टी जबकि लोअर हाई बनाया था लोअर लो ऑलमोस्ट बनाया था उसने वी कैन सी बैंक निफ्टी हैज़ एक्चुअली मेड अ कंसिस्टेंट हायर हाई एंड अ हायर लो दिस इज लार्जली बिकॉज ऑफ द नेक्स्ट स्टॉक दैट वील बी टॉकिंग अबाउट बट बैंक निफ्टी भी में हम लोग देख सकते हैं ये वाला जो, जो जोन है थर्टी फाइव वन सेवेंटी के आसपास का वो रेजिस्टेंस बना है टेस्टेड थर्टी फोर नाइन हंड्रेड एंड थर्टी फाइव थाउजेंड वंस प्रीवियस क्लोज से भी रेजिस्टेंस मिला बट देन जो सेकेंड हाफ का मूवमेंट आया था उसमें इट वॉज एबल टू मोर देन रिकवर इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन आई थिंक दिस लुक्स गुड फॉर बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ बट देखते हैं आई थिंक इट विल हैव टू ब्रेक आउट ऑफ दिस रेंज अगर मैं आपको लाइन चार्ट दिखाऊँ तो आप देख सकते हो इट्स टक इन दिस रेंज अगर ये रेंज तोड़ता है विच एज ऑफ नाउ बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर इट माइट आई थिंक देन इट विल बी अ

एज ऑफ ना आई वुड नॉट कॉल दिस अ वेरी बैड थिंग क्योंकि अगैन जो ओवरऑल डरेक्शन है ओवरऑल बायस है वो डेफिनेटली डाउन साइड की तरफ ही रही है अब तक बट अगेन इट डज से दैट यहाँ पे जो ऐसा रे ऑफ होप जैसा होगा शायद लोग के मन में दैट ओके ट्वेंटी फाइव हंड्रेड आ सकता है अभी आज की कैंडल के बाद शायद ऐसा लगे लोगों के अच्छा नो लेट्स सेट आर एक्सपेक्टेश रियलिस्टिक हम लोग देख सकते हैं ये थी ओवरऑल रिलायंस की मूवमेंट सम वेरी बिग यू नो कैंडल्स इन द सेकंड हाफ सो सेकंड हाफ में भर भर के सेलिंग हुई होगी आई एम श्योर लेट्स कल कैसा होता है अगेन दर इज अ चांस दैट वी डू सी सम मूवमेंट पॉसिबली अपिल ट्वेंटी फोर हंड्रेड ऑल्सो और इवन अबव एच डी एफ सी बैंक की बात करें स्टिल स्टॉक इन दैट जोन आई मीन आई थिंक इट्स स्टिल अ गुड साइन क्योंकि वो जो लोअर लेवल रिटेस्ट करके फिर ऊपर आया दैट्स अ गुड साइन बट आई थिंक आई स्टिल वेट फॉर इट टू एक्चुअली शो समो क्लियर डिसाइसिव टू हंड्रेड एम से और काफ़ी नीचे है वो हम लोग देख सकते हैं टू हंड्रेड एम के नीचे उतनी देर रहा नहीं है एच डी एफ सी बैंक इट डज नॉट रियली हैव द टेंडेंसी टू एस्पेशली द लास्ट टाइम दैट वी सॉ इट हैपनिंग वो लगभग एक दो हफ्ते रहा था और उसके बाद ऊपर चला गया था एंड आई थिंक दैट हैज़ ऑलरेडी पासड फॉर एच डी एफ सी बैंक राइट नाउ सो लेट्स कैसा जाता है आई थिंक इट वन टू वॉच नेक्स्ट अपी कैन सी इन्फोसिस द टॉप स्टॉक डेज नया हाई बनाया है ए टी एच क्लोज किया है बट इट डज शो सेलिंग एट हायर लेवल नाइनटीन हंड्रेड के ऊपर सेलिंग काफ़ी हुआ है इनफैक्ट इट्स रिजेक्टेड दैट लेवल आई थिंक दिस इज एन इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच आउट क्योंकि नाइनटीन हंड्रेड अगर वो रिजेक्ट करता है देन टुमारो इट माइट जस्ट यू नो क्लोज समर अराउंड एटीन सिक्सटी और सो सो देखते हैं और ऑफकोर्स इट कैन जस्ट यू नो ईजीली सर पास दैट सो कल आई थिंक थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा एस्पेशली असमन हैज अ पोजिशन इन द स्टॉक एच डी एफ़ सी की बात करें स्टिल साइडवेज बिटवीन ट नाइन्टी सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी नथिंग मोर टू टॉक अबाउट आई सी आई सी आई बैंक देख सकते हैं इट स्लिपिंग लिट लोअर हाई लोअर लो और देखते हैं कैसा जाता है अगेन सेवन थर्टी फाइव के आसपास है यहाँ पर मे बी इट यू नो इफ इट माइट जस्ट स्लिप अन्टिल दिस लेवल अगेन और इफ़ इट गोज़ अप सेवन फोर्टी के ऊपर सेवन फोर्टी फाइव के ऊपर देख देख सकते हैं कोटक बैंक की अगर बात करें सेवनटीन सेवनटी रिजेक्ट किया है वी स्पोक अबाउट हाउ दिस लेवल इज इम्पोर्टेंट एंड उसके बाद द रियल टेस्ट विल कम एट एटीन ट्वेंटी बट पहला ही जो छोटा सा टेस्ट था बोर्ड एग्जाम तो आया नहीं प्रमे में ही फेल हो गया है लुक्स लाइक सो लेट्स कैसा जाता है अगेन साइडवेज मूवमेंट नेक्स्ट आप एस बी आई एस बी आई की बात करें वंस अगेन वीर लुकिंग एट इट साइडवेज पी एस यू बैंक्स इन जनरल आज उतना अच्छा नहीं कर पाए थे आई जस्ट शो यूर सेक्टर वी कैन सी प्राइवेट बैंक हैव हेल्ड देयर ग्राउंड पी एस यू बैंक्स हैव So, जह से शायद एस बी आई इज नॉट डूइंग वेरी वेल एंड वो वजह से पॉसिबली एक्सिस बैंक जिस लंप में फंसा है दैट ऑल्सो मैनेज टू क्लोज अबाउ द प्रिवियस अबाउ द ओपन ऑफ द डे इधर वे काफ़ी सारे स्टॉक्स रेंज में स्टक है एस बी जिस सॉ सो देखते हैं कैसा होता है आई थिंक इट्स यू नो इट्स ऑबियसली गोइंग टू बी अ वेरी इम्पॉर्टेंट डे टो कि कैसा हाउ डाज निफ्टी क्लोज दिस ईयर एंड दिस मंथ As of now though the signs indicate that maybe it'll be sideways or maybe it might just slip a little but it can of course break out we never know so the technical it will definitely give us more sense about what to expect and yeah i hope uh, i hope you have you had a great uh, expiry session today happy analysis happy trading and see you in the weekly and monthly analysis and yearly analysis also this time